दोस्तों, तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना गया है और भगवान विष्णु को तुलसी का पौधा सबसे प्रिय है और इस वजह से शास्त्रों में इसका बहुत महत्व बताया गया है। तुलसी के पौधे में ऐसे 20 कीमती औषधि गुण समाये हुए होते हैं जिसमें कई प्रकार के रोगों का इलाज होता है। साथ ही यह तुलसी का पौधा घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है और अगर इस तुलसी के पौधे को सही स्थान में लगाया जाए तो इससे घर के आर्थिक हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं और हमारे ऋषि मुनि प्राचीन काल से आश्रम में तुलसी का पौधा जरूर लगाते हैं और कुछ शास्त्रों में तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का रूप बताया गया है और जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का आगमन जरूर होता है। और अगर आप प्रतिदिन तुलसी के 5 पत्ते खाते हैं तो यह आपकी कई सारी बीमारियों से रक्षा करता है और तुलसी के पौधे को प्रतिदिन जल चढ़ाने की परंपरा हमेशा से चली आ रही है और इसे बहुत शुभ भी माना जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे दिन भी बताए गए हैं जिस दिन तुलसी के पौधे को भूलकर भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना शुभ होता है और किस दिशा में अशुभ, और इस तुलसी के पौधे को कब जल चढ़ाना चाहिए और कब नहीं, तुलसी के पेड़ की पूजा करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इन सभी बातों के बारे में शास्त्रों में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे दिनों के बारे में बताया गया है जिसमें तुलसी को जल बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रत्येक रविवार एकादशी एवं सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय तुलसी को जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और जो व्यक्ति गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध डालता है और सिर्फ रविवार को छोड़कर बाकी सभी दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाता है तो उस व्यक्ति के घर माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, घर में तुलसी का सूखा हुआ पौधा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और पौधे को नियमित रूप से जल चढ़ाया करें क्योंकि तुलसी का पौधा का सूखना बहुत अशुभ माना जाता है। ज्योतिषों का मानना है कि तुलसी का पौधा बुध के कारण सूखता है क्योंकि बुध ग्रह को हरे रंग का प्रतीक माना जाता है और सभी पेड़ पौधे हरियाली का प्रतीक है। बुध एक ऐसा ग्रह होता है जो दूसरे ग्रह के अच्छे और बुरे प्रभावों को जातक तक पहुंचाते हैं। बुध के प्रभाव से ही तुलसी के पौधे में फूल लगने लगते हैं और तुलसी का पौधा वास्तु के दोषों को दूर करने में सक्षम है। और अगर घर में रखा तुलसी का पौधा सूख जाता है तो इसे कोई कुएं या कोई नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। दोस्तों, हमें तुलसी के पौधे को उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए क्योंकि इस दिशा में तुलसी के पौधे को लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें भूलकर भी दक्षिण दिशा में तुलसी के पौधे को बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से हमें कई नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। दोस्तों, तुलसी के पौधे को हम अपनी रसोई घर में रख सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से घर में पारिवारिक कलह समाप्त हो जाती है और अगर आपका बिजनेस अच्छी तरह से नहीं चल रहा है तो तुलसी के पौधे को दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें और हर शुक्रवार उस पौधे में कच्चा दूध चढ़ाएं और मिठाई का भोग लगाएं और किसी सुहागन स्त्री को मीठी चीज का दान करें। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमें हर मुसीबत का संकेत देता है और यह पौधा हमें आने वाली मुसीबतों के बारे में भी पहले से सतर्क करता है। इसका वर्णन धर्म ग्रंथों में किया गया है। ज्योतिष और पुराणों में बताया गया है कि जिस घर में कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है उस घर में सबसे पहले लक्ष्मी जी और तुलसी जी चली जाती हैं क्योंकि जिस घर में अशांति और दरिद्रता होती है ऐसे घर में लक्ष्मी जी का निवास बिल्कुल नहीं होता और ऐसे घर में तुलसी का पौधा जल्द ही सूखने लगता है। और जो लोग तुलसी विवाह करते हैं तो ऐसे लोगों को कष्ट कभी भी नहीं आते और ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमें एक और चीज का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर भी तुलसी का पौधा होता है वहां हमें अपने मुख से कड़वे वचन बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए और साथ ही तुलसी के पौधे के पास जूते और चप्पल बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए और तुलसी के आसपास थूकना भी घोर पाप माना गया है। और जिस स्थान पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान को हमेशा साफ करते रहना चाहिए और हमें तुलसी के पत्तों को कभी भी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से माँ तुलसी नाराज हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।